बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए बच्चों एक मुअल्लक जहाज बनाते हैं। ओवरक्राफ्ट यानी मंडलाता हुआ जहाज, हवा की तह के ऊपर तैरता हुआ जहाज। इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक पुरानी सीडी, गूंद, एक गुब्बारा, एक रबर की डिस्क, सुई और खाका साज कलम, स्केच पेन, खाका बनाने वाला कलम। सबसे पहले ये खाका साज कलम का ढक्कन उतारा, अगली निब उतारी, पिछला ढक्कन उतारा और इसके अगले ढक्कन के पिछली तरफ सुई से एक सुराख किया। ये अगला हिस्सा है और ये इसका पिछला हिस्सा, और इसको रबर की एक डिस्क में फंसा दिया। कलम के ढक्कन को डिस्क में फंसा दिया और ये पुरानी सीडी है, इसके सीधी तरफ दरमियान में गूंद लगाई, समाद बॉन्ड वगैरह, और थोड़ी देर से सूखने दिया, फिर ऊपर रबड़ की डिस्क चिपका दी। कलम के खाली हिस्से के ऊपर गुब्बारा चढ़ाया और उसको रबड़ बैंड के साथ मजबूती से बांध दिया और इसे कलम के खोल के बीच में फंसा दिया। ये आवर क्राफ्ट बन गया। गुब्बारे में हवा भरकर जब कलम के खोल में रखेंगे तो निचले सुराख से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलेगी और नीचे एक तह बन जाएगी। इस तह के ऊपर ये सीडी का जो मुअल्लक जहाज है वो मंडलाता रहेगा, मेज की सतह के साथ नहीं लगेगा। हवा नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। फिर हवा भरकर आप फर्श के ऊपर इसे छोड़ें तो फर्श की सतह के ऊपर ऊपर तैरता फिरेगा। बड़ा ही खूबसूरत खिलौना है। इसी उसूल की बुनियाद पे बहुत सी इजादात हैं जो पानी की सतह पर और हवा की सतह पर चलती हैं। इंजन बनाए गए हैं